फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास इस वक्त जारी है। ख्वाजा सलमान रफीक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। सर नहीं, वो पहले में आ जाना चाहिए था। मैं देखें ना, ये इन चीज़ों का मेरे लिए तो नहीं था, ये आप बहुत बेहतर से इसमें समझते हैं, आप यहाँ बैठे हुए। अब ये हम एक एक करके लाते रहते हर अपनी मीटिंग। अब जब हम इकट्ठे 5-6 डिपार्टमेंट स्टैब्लिश जो करने चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होता है कि हम फरवरी मार्च में करते, हम फिर फाइनेंस को मिलते, साहबा को मिलते, शेख साहब को मिलकर रिक्वेस्ट करते कि सर ये कर दें। अब जब हम ये भेजेंगे ना, तो ये जाएंगी फिर डिपार्टमेंट्स होती भी 15 दिन महीना लेंगी, देन इट टेक्स अ मंथ, फिर जाना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा हम इसमें लेट हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, मेरा जो ख्याल है, ये 3-4 बार पहले हम इस पर हमारी मीटिंग है तो चौथी है ना, 3-4-5 माह से हो रही है मीटिंग हमारी। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी का इजलास इस वक्त आपको बताएंगे ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद की कवेती कंपनी के सीईओ से मुलाकात हुई। आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद की मुलाकात हुई है इस वक्त कवेती कंपनी कंटेक्ट पावर के सीईओ से। मजीद जानते हैं इसका अहवाल राव दिलचाद से। जी राव दिलचाद, बताएगा मुलाकात का अहवाल। ये कैनटक पावर कंपनी है जो कि कुवैती कंपनी है और इसके सीईओ यासिर मलिक की क़यादत में 4 रुकनी वफद ने मेयर लाहौर कर्नल टाइम मुबशर जावेद से मुलाकात की और प्रेजेंटेशन दी है। बुनियादी तौर पर उन्होंने कि टाउन हॉल को मुकम्मल तौर पर जो है वो सोलर पावर पर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इस हवाले से मेयर लाहौर कर्नल टाइम मुबशर जावेद ने फौरी तौर पर हिदायत की कि इनकी फिजिबिलिटी तैयार की जाए और मजीद जो जो सूरत हाल है इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए ताकि टाउन हॉल को कम अज कम सोलर पावर पर।